अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं चोलिस्तान डेजर्ट में हूँ जहाँ पे वलीमा की एक सेरेमनी हो रही है। वलीमा बेसिकली सब लोगों को दावत पे बुलाया जाता है, लंच या डिनर पे, और ये शादी के सेकंड डे पे होता है। शादी मैं अटेंड नहीं कर सका, आज वलीमे पे मैं इनवाइटेड हूँ, तो साथ में आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोग कुकिंग वगैरह कैसे करते हैं। एक रोटी काफी नहीं पूरे दिन च? मैं क्या अपना मंगा वास्ते एक रोटी काफी नहीं पूरे दिन च? सिटीज़ के अंदर तो मोस्टली ये होता है कि लोग लंच या डिनर पे बुलाते हैं और एक ही फिक्स टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट में क्योंकि लोगों ने दूर दूर से आना होता है, इसलिए वहाँ पे कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता। दोपहर को 12 बजे से लेके शाम 3-4 बजे तक वलीमा चलता रहता है। जैसे जैसे लोग आते जाते हैं वो खा के चले जाते हैं। और यहाँ पर ट्रेडिशनल कुकिंग होती है। आज भी ऑलमोस्ट 1000% का अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये जो आप रोटी आप देख रहे हैं पक रही है, ये 400 ग्राम आटे की एक रोटी बनाई जाती है। यहाँ पे मोस्टली बीफ ही कुक होता है, लोग चिकन वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते। बीफ है, साथ में राइस होते हैं एज ए स्वीट डिश, यहाँ पे लोकल उसको मीठे चावल या मतंजन कहते हैं। गाइस, बेसिकली ये छोटा सा एक विलेज है और पहले ये डेजर्ट ही होता था, लेकिन आज से 5-6 साल पहले लोगों को ज़मीनें लाट हुई, उसके बाद उन्होंने इसको आबाद किया। अब ये आस्ता आस्ता आगे चलता जा रहा है और यहाँ से अगर 4-5 किलोमीटर अगर आप आगे जाएं तो वहाँ पे डीप डेजर्ट शुरू हो जाता है, वहाँ पे भी आप ज़मीनें अलाटमेंट होना शुरू हो गई हैं।
जितना होया वाला जा फिर दूध गई लाइन यहाँ पे खाना इसी तरीके से बल्क में पकाया जाता है और इसी तरीके से सर्व किया जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा इनवाइटेड हो तो सिर्फ वही आएगा, इसमें कोई भी आ सकता है। ये ओपनली होता है बिल्कुल ग्राउंड के अंदर। इवन के कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं, अगर कोई मुसाफिर जा रहा है तो ये उसको रोकते हैं कि आप यहाँ से लंच करके जाएँ। और अगर इनका खाना बच जाए कि ज़्यादा लोग नहीं आ सके किसी वजह से, तो ये जो आसपास छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं, जो लोग इसमें झुग्गियों में रह रहे होते हैं, जैसे मेरी कुछ वीडियोस पे आपने देखा है, तो ये वहाँ पे जाके खाना उन फैमिलीज़ को जाके दे के आते हैं। सिटीज़ के अंदर तो ये होता है कि दूल्हा या दुल्हन को गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन इस एरिया में इस तरह से गिफ्ट कोई नहीं देता, ये पैसे देते हैं। दूल्हा और दुल्हन जो नई एक फैमिली बन रही है उनकी माली सपोर्ट के लिए, और उसको नोट डाउन किया जाता है। फिर नेक्स्ट जब उनकी शादी होती है तो ये एक रिवाज है कि इस फैमिली ने उन जितने पैसे उन्होंने दिए हैं उनसे डबल देने हैं। गैस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 800 से 900 चेयर्स लगाई गई हैं, लेकिन अभी पंडाल 50% सिर्फ कवर हुआ है। अभी दोपहर के 1 बजे हैं और ये लोग अभी खाना खा के चले जाएंगे, साथ साथ दूसरे भी आते जाएंगे। ये इसलिए है क्योंकि डेजर्ट है, वहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं, कोई प्रॉपर सड़क नहीं है, तो एक 20 किलोमीटर के सफ़र के लिए भी इनको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। इसलिए ये किसी का वेट नहीं करते और एक टाइम होता है, उस टाइम स्पैन में लोग आते हैं, आके खाना खाते हैं और वापस चले जाते हैं। गाइज़ इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में मैंने बड़े करीब से शॉट्स लिए, जिसकी वजह से मुझे अब बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई है। इससे पहले कि खाना ख़त्म हो जाए मैं अब खाना खाऊंगा। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी। थैंक यू।